नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3, 4 और 5 अप्रैल की आपकी राशि के महाराशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यश में ग्रहों की स्थिति कैसी होने वाली है और इन सभी का प्रभाव आपके जीवन काल पर क्या होंगे, यश में आपको किन किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे और कौन कौन से कार्य आखिर आपके लिए भाग्यशाली होंगे, यश में आपके घर के माहौल में क्या बड़े बदलाव होंगे, पारिवारिक जीवन में क्या क्या सुधार होने वाली है, तो दोस्तों इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो के अंतिम क्षणों में बहुत ही उत्तम उपाय हैं जिन्हें आप करके अपने जीवन में अथासंभव लाभ प्राप्त करेंगे, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों निवेदन है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर शेयर कर लें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, पहले जान लेते हैं इंद्रों की ग्रहों की स्थिति के बारे में। दोस्तों 3 अप्रैल के दिन शनिवार का दिन होगा और मूल नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। दोस्तों इस दिन योग की बात करें तो वरियान नाम के योग के बाद परिग नाम का इस दिन योग रहने वाले हैं। राहु काल का समय सुबह के 9:25 से लेकर सुबह के 10:58 रहेगा। दोस्तों ये राहु काल के समय में आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्यों को ना करें और चंद्रमा धनु राशि पर ही संचार करेंगे। वहीं 4 अप्रैल की बात करें तो रविवार का दिन रहेगा, अष्टमी तिथि और पूर्वाषाढ़ इस दिन नक्षत्र रहेगा। दोस्तों इस दिन परिग नाम के योग के बाद शिव नाम का शुभ योग रहने वाले हैं जो कि बहुत ही लाभप्रद होने वाले हैं। यश में आपको बड़े लाभ मिलने वाले हैं, बशर्ते 1-2 कार्यों को लेकर आपको सावधान रहने की भी आवश्यकता होगी। राहु काल का समय शाम के 5:07 से लेकर शाम के 6:39 रहेगा और चंद्रमा धनु राशि पर संचार करेंगे। वही दोस्तों आखिरी दिन 5 अप्रैल की बात करें तो सोमवार का दिन होगा, महादेव का दिन होगा, नौमी तिथि और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और इस दिन भी बहुत ही अच्छे योग हैं, श्रवण सिद्धि नाम का शुभ योग दिन रहने वाले हैं और राहु काल का समय सुबह के 7:51 से लेकर सुबह के 9:24 रहेगा। और दोस्तों चंद्रमा इस दिन धनु राशि के उपरांत मकर राशि में संचार करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इन तीनों के जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का यह बदलाव आपकी राशि पर क्या परिवर्तन करते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों यश में घर की साज सज्जा पर भी उसकी खरीदारी के दौरान आप खर्च होगा। आप धर्म कर्म के कार्यों में अधिक यश में उत्साह से दिखाई देंगे। वही दोस्तों इस दौरान आप जो है दिल खोलकर अपना अच्छा खासा धन भी खर्च करेंगे। वही दोस्तों इस दौरान आप दिल खोलकर अपने जो है अच्छा खासा धन को खर्च करने में हिचकिचाएंगे नहीं। दोस्तों इसका सकारात्मक प्रभाव सीधे तौर पर आपकी जो है छवि पर भी पड़ेगा। वही दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी नेगेटिविटी की बात करें तो दोस्तों यश समय छात्रों को पहले से अधिक मेहनत करने की ज़रूरत होगी। दोस्तों ये जो दिन है अपनी ज़िंदगी की समस्याओं को सुलझाने के लिए किसी सलाहकार को ढूंढने, ध्यान रहे कि आप सही व्यक्ति की सलाह लें ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। वहीं दोस्तों इन दिनों में आपके लिए जो पुराने रुके हुए काम है वह बनेंगे। दोस्तों ये जो समय है आपके लिए फलदायक काफ़ी तौर पर रह सकता है। किसी गुरु या फिर समझदार व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपका आने वाले समय के लिए मार्गदर्शन करेंगे। दोस्तों यह समय बच्चों के साथ कुछ समय गुजार पाएंगे, उन्हें पढ़ाएं और उनके साथ जो है अपना ज्ञान और अनुभव बांटें। दोस्तों आपकी सलाह से उन्हें लाभ होगा। ये जो समय है मेडिटेशन या फिर पूजा पाठ में थोड़ा आप समय अवश्य दें सीखने सिखाने के लिए। ये जो आपके लिए दिन है बहुत ही अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों कार्य क्षेत्र में आपको नए आइडियाज आ रहे हैं जिनके लिए आपको सहयोग भी मिलेगा। पूरे विश्वास के साथ उन पर आप कदम यश में उठाएंगे। दोस्तों इन दिनों में व्यावसायिक कार्य में व्यस्त हो सकते हैं, आपकी जो है व्यापारिक क्षेत्र में उन्नति के योग बन रहे हैं। आप यश में आत्मविश्वास और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। वही दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी लव लाइफ की अगर बात करें तो दोस्तों ये जो समय है आप कभी नहीं जानते हैं और आप इसे वास्तव में किसी विशेष के साथ जो है शीघ्र ही संबंध प्रारंभ कर सकते हैं और यह एक जो है दीर्घकालिक संबंध की शुरुआत हो सकती है। वही दोस्तों इन दिनों में परिवार में जो है सुख शांति का माहौल रहेगा। कोई भी निर्णय जो है किसी बड़े सलाह से ही लें तो आपके लिए भविष्य में उनके लिए अच्छा समय रहेगा। वही दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो स्वास्थ्य यह समय सामान्य रहेगा। इन दिनों में आपको मेडिटेशन या फिर पूजा पाठ में थोड़ा समय देना चाहिए। दोस्तों वहीं यह समय माताजी का स्वास्थ्य कुछ कमजोर रहने की संभावना है या फिर दोस्तों परिवार में हल्की फुल्की तनाव हो सकती है। दोस्तों यह समय आपका भाग्यशाली जो है रंग रहेगा सिल्वर और भाग्यशाली अंक रहेगा 2। वहीं दोस्तों इन दिनों में ये जो दिन है आपके लिए उत्साह और उमंग से भरपूर भी होगा।
जीवन के प्रति सकारात्मक अभिप्राय प्रत्येक कार्य को सफलता की ओर ले जाएंगे। दोस्तों, यह समय आप अपनी इच्छा से कार्य को कर सकेंगे और उसके लिए अनुकूलता निर्मित होगी। वही दोस्तों, इन दिनों में सामान्य रूप से जो पूरा दिन है आपके लिए अत्यंत व्यस्तता से बीतेगा, क्योंकि यश में आप कार्य में व्यस्त रहेंगे, ऐसा गणेश जी कहते हैं। वही दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी धन को लेकर बात करें तो दोस्तों, ये जो समय है रेड बुल की एनर्जी को अपने अंदर लिए आप जो है ऑफिस की ओर चल पड़ेंगे। दोस्तों, आप ऊर्जा से लवरेज रहेंगे, इसलिए आप कामों में सुधार करते हुए वरिष्ठ लोगों की प्रशंसा भी यश में अर्जित करने वाले हैं। दोस्तों, आप कठिन परियोजनाओं को प्राप्त करने के लिए अपनी टीम को यश में प्रेरित करेंगे, गणेश जी को ऐसा लगता है। वही दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें, चूंकि दोस्तों आप यश में उत्साहित रहेंगे, इसलिए अपने जीवन साथी से मिलने पर भी आप कुछ उसके साथ रोमांस करने की भी चाह रखेंगे। दोस्तों, यश में आप कुछ जो है उत्कृष्ट चुटकुले भी सुनाएंगे, आपके जो है मासूक को यह काफ़ी पसंद आएगा, वो आपके शब्दों में जो है पिघल जाएगा। हंसी मजाक से भरी ये जो दिन है आपके लिए गुजरेंगे दोस्तों, ऐसा गणेश जी का भविष्यवाणी है। वही दोस्तों, यश में आपकी जो है आर्थिक स्थिति की बात करें तो दोस्तों, ये जो दिन है आपके लिए, ये जो समय है, आपके वित्तीय मामलों को लेकर जो है निश्चित रूप से अनिश्चित रहने वाली संभावना है। दोस्तों, यश में आप और अधिक धन अर्जित करने के लिए दोहरे पर खड़े रहेंगे। दोस्तों, आप पैसे बचाने के तरीकों को भी लेकर यश में अनिश्चित रहेंगे। वही दोस्तों, इन दिनों में उत्साह और आत्मविश्वास से युक्त रहते हुए आप जो है इन दिनों का सबसे अधिक फायदा उठाने के लिए अपनी ऊर्जा को जो है सही दिशा में लगाएंगे। इसके अलावा यश में आप अपने कार्यस्थल पर ईर्ष्यालुओं और दुश्मनों से सावधान रहें, अन्यथा वे प्रगति के रास्ते में बाधा भी डाल सकते हैं। दोस्तों, इन दिनों में आप अपने खराब मूड को शादीशुदा जिंदगी में तनाव का कारण न बनने दें, इससे जो है आप बचने की कोशिश करें, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। विदेशों में पड़ी आपकी जो जमीन है यश में अच्छे दामों में बिक सकती है, जिससे आपको मुनाफा होगा। दोस्तों, यश में सामाजिक उत्सवों में सहभागिता का मौका है, जो आपको जो है प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क में लगाएगा। मोहब्बत का सफर प्यारा मगर छोटा होगा। दोस्तों, इन दिनों में साझेदारी की परियोजनाएं सकारात्मक परिणाम से ज़्यादा परेशानियां देंगी। कोई आपका भेजा फायदा उठा सकता है और उसे ऐसा करने देने के लिए आप खुद से ही नाराज हो सकते हैं। दोस्तों, इन दिनों में आपके पास जो है खाली समय रहेगा और इन समयों का आप उपयोग जो है ध्यान और योग में लगा सकते हैं। आपको इनसे जो है मानसिक शांति का एहसास होगा। उबाऊ होते हुए भी शादीशुदा जिंदगी के लिए ये जो दिन है कुछ रोमांटिक ढूंढने की ज़रूरत होगी। वही दोस्तों, इन दिनों में आप अपने जो बेडरूम में क्रिस्टल बल्ब रखने से जो आपके स्वास्थ्य इसमें अच्छा होगा। दोस्तों, यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए? दोस्तों, आपको बता दें कि आप जो है घर की पूर्व या फिर उत्तर दिशा में मंदिर बनवाएं, लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि घर का जो मंदिर है और रसोई के साथ साथ न हो। घर में जो है भगवान लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की उपासना करें। हर बृहस्पतिवार को प्रभु को पीली मिठाई का भोग लगाएं। इसे दोस्तों आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी, धन से जुड़े सभी समस्याओं का अंत होगा और घर में लाभ होते रहेंगे। तो दोस्तों, इन उपायों को आप जरूर करें, ये बहुत ही लाभकारी उपाय हैं। और साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि और ऐसी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।